और वाईफाई फ्री है, सबसे बड़ी बात कि वाईफाई फ्री है और पीने का जो आरओ वाटर है वो सब मिल रहा है। और ये देखिए, ये सबसे पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे फैन वगैरह सब चलता है, देखिए लाइट वगैरह सब चलता है, काफ़ी बड़ा रूम है, हवादार रूम है, अटैच बाथरूम है, ठीक है। देखिए ये अटैच बाथरूम है, इंडियन बाथरूम लगा हुआ है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भाई जब फिर से स्वागत है, खैर मकदम है एक खास और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। हालांकि फ्रेंड आपने इससे पहले का एक ब्लॉग देखा होता देखा होगा कहाँ का, तो जस्ट इससे पहले आपने देखा होगा यूपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर आगरा का। जी हाँ, वो भी बहुत ही अच्छा होटल था और मगर वो स्टेशन से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा था। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारे ताजमहल के पास ही मैं ठहरूँ, तो यहाँ से बस 2-3 मिनट का रास्ता है, आप ताजमहल हमारे बगल में ही है। अगर आप यहाँ पे ताजमहल के पास ठहरना चाहते हैं ना, तो आपका भाई बहुत ही अच्छा होटल खोजा है मिनिमम प्राइस में। जी हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो देख रहे हैं ना, जहांगीर लॉज नियर टंगा स्टैंड ताजगंज आगरा, ये जस्ट ताजमहल के बगल में पड़ता है। आपको करना क्या है, यहाँ आने के लिए सिर्फ स्टेशन से बाहर निकलिए, 10-15 कदम आगे बढ़िएगा तो बिजली घर चौक आएगा, वहाँ से ऑटो मिलता है ताजमहल के लिए। तो 10 रुपये ऑटो वाला लेगा और ताजमहल के पास ये जहांगीर ताजगंज नियर जो तंगा स्टैंड है, यहाँ पे आप आराम से, यहाँ पे आपको ऑटो वाला रोक देगा। तो यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, बस ताजमहल के बगल में है। तो मैं इसका प्राइस बता रहा हूँ ना, तो यहाँ जो प्राइस जो स्टार्टिंग हो रहा है वो 450 रुपया स्टार्ट हो रहा है। पंखा वगैरह सब है और 2 आदमी रुक सकते हैं। 450 से कम का मैंने पहले ही बताया था कि आपको, जो मैंने पिछला होटल दिखाया था 400, तो इससे थोड़ा 50 रुपया ज़्यादा है, मगर ताजमहल के पास है इसी वजह से, बाकी 400 से कम का तो मिलने वाला है नहीं। तो मैं अभी हल्का फुल्का आपको रूम दिखा दूँगा, 450 में आप 2 आदमी रह सकते हैं और 600 वाले में भी आप आराम से 2-3 आदमी रह सकते हैं। अच्छा है, बड़ा रूम है, साफ़ सुथरा रूम है और वाईफाई फ्री है, सबसे बड़ी बात कि वाईफाई फ्री है और पीने का जो आरओ वाटर है वो सब मिल रहा है। तो चलिए कुछ अंदर हम आपको दिखा देते हैं। अगर ताजमहल के पास रहना है तो आप यहाँ होटल ये आपको बेस्ट होने वाला है। तो ये हमारा रिसेप्शन काउंटर है और यहाँ चेकआउट टाइम ने भैया लिखा है 10 बजे। जी हाँ, एंट्री होने पर रूम का चार्ज पूरा देना होगा, इस तरीके का कुछ रूल है। और ये देखिए, ये सबसे पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे फैन वगैरह सब चलता है, देखिए लाइट वगैरह सब चलता है, काफ़ी बड़ा रूम है, हवादार रूम है, अटैच बाथरूम है, ठीक है। देखिए ये अटैच बाथरूम है, इंडियन बाथरूम लगा हुआ है, बेड मतलब 2 बेड लगा हुआ है, इसमें 2 से 3 आदमी आप आराम से। भैया 600 वाले में कितने आदमी रुकेंगे, 600 वाले में कितने, 2-3 आदमी रुक सकते हैं क्या? बताइए भैया, आपको 3 आदमी अलाउ कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? पर पर्सन 200 रुपया पड़ा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और साफ़ सफाई तो भाई जितनी तारीफ करूँ, टाइल्स लगा हुआ है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, फैन लाइट वगैरह सब चल रहा है, यहाँ पे पंखा वगैरह सब आप देख ही रहे हैं, इंडियन बाथरूम, नल नहाने का साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा। ये 600 रुपये में था, 3 आदमी तक अलाउ कर देंगे, बहुत ही साफ़ सुथरा होटल मुझे ये दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ताजमहल के पास ही ये होटल है। उसके अलावा मैं बता दूँ, सिंगल अगर आप 1 से 2, भैया वो 450 वाले में कितने आदमी रहेंगे? एक ही रहेगा ना, 600 वाले में 3 कर देंगे, 450 वाले में 1 ही, उसमें 2 नहीं होगा क्या? नहीं, अगर मतलब कि 450 में अगर चाहेगा 2 आदमी रहना, तो 2 आदमी उसमें देंगे 450 में, 500 लगेगा ना। तो ऐसे देखिए, ये जो है ना भैया 450 में 1 आदमी अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर आप 2 आदमी हैं, देखिए यहाँ पे आईना वगैरह सब लगा हुआ है, फैन वगैरह सब चल रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और अगर आप 2 पर्सन हैं तो 500 रुपये आपको देना होगा और यहाँ पर आसानी से 250 रुपया पर पर्सन पड़ेगा। और अगर 3 आदमी है तो 600 रुपये बगल में है, तो इससे सस्ता होटल आपको, मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि स्टेशन के आसपास तो सब 1000, 1500, 2000 इस रेंज का है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पे आप आते हैं ना, 10 रुपये खर्च करके आप यहाँ आ जाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यहाँ बता दूँ, 800 रुपये का भी है, 900 रुपये का है, 800-900 वाले में कूलर है। भैया ने कहा है कि 800-900 वाले में आप 4 आदमी तक रह सकते हैं उसी प्राइस में, तो ये बहुत बेस्ट होगा आपके लिए। मैं यहाँ का जो ऑनर साहब हैं उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। बट कुछ भी कहिए, अच्छा है ये, आपको शिकायत नहीं होगा। और इनका जो होटल है ये वो ibubooking.com हर जगह, गूगल वगैरह हर जगह पे है, और साथ ही साथ यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं ना भैया? तो भैया ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं। और भैया कोई अगर मोबाइल से फ़ोन करेगा तो बात बता दीजिएगा। तो इनका नंबर स्क्रीन पे आपको मैं शुरू में भी डाल दूंगा और लास्ट पे भी आपको स्क्रीन पे ही नंबर दिखेगा। आप कोई दिक्कत होगा यहाँ पहुँचने में तो फ़ोन कर लीजिएगा, वो जगह का एड्रेस बता देंगे अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले वाला वीडियो, वो भी होटल बहुत अच्छा था और ये भी 2 होटल बहुत अच्छा था। अगर आप आगरा आ रहे हैं ना और कम बजट में, मीडियम बजट में रहना चाह रहे हैं ना, तो ये 2 होटल आपके लिए बेस्ट होने वाला है।
तो कैसा लगा ये ब्लॉग, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी दिखी हो कमेंट करके पूछिए। इसी तरीके का ब्लॉग पूरे इंडिया से आपको मिलने वाला है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है जयपुर, अजमेर शरीफ, हर जगह का आने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ना किए मत जाइए, हो सके तो अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरीके का ब्लॉग पूरे इंडिया से आपको हमारे चैनल मिलता रहेगा। चलिए फिर हाजिर होते हैं खास ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।